सबसे पहले तो नागपुर में एनसीपी के जो नेता हैं, पूर्व गृह मंत्री हैं अनिल देशमुख, उनके ऊपर एक जानलेवा हमला हुआ, वो मुझे लगता है कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि चुनाव से ठीक पहले हिंसा का माहौल बनाना, लोगों को दबाव में लेकर आना, विपक्षी लोगों को टारगेट करना, सभ्य समाज में ये शोभा नहीं देता। और मुझे लगता है कि इसकी भी जांच होनी चाहिए कि कौन तत्व थे जो इस पूरे हमला करने के पीछे थे। उसके तुरंत बाद जो भाजपा के बड़े नेता हैं वो सरेआम लोगों को प्रभावित करने के लिए धनराशि वितरित कर रहे हैं, वो पकड़े जाते हैं। और निर्वाचन आयोग ने अभी तक, क्योंकि चुनाव का मतदान कल है, अब वो क्या जांच करेंगे, उसका क्या परिणाम आएगा, लेकिन तुरंत प्रभाव से निर्वाचन आयोग को निष्पक्ष और प्रभावी कार्रवाई करनी चाहिए थी, क्योंकि कल इलेक्शन है। कितने लोगों को प्रभावित कर चुके थे, कौन उनके संपर्क में थे, कैसे पूरे उसको अंजाम दिया गया, ये मैं समझता हूँ बड़ा एक चिंता का विषय। लोकतंत्र में इतनी बड़ी धनराशि लेकर मतदान से कुछ घंटे पहले सत्ता वाली पार्टी जो केंद्र में सत्ता में है, प्रदेश में सत्ता में है, उनके बड़े नेता इस प्रकार के अगर सरेआम पकड़े जाते हैं, आप कल्पना कीजिए कि इन्हीं सभी ताकतों ने क्या क्या किया होगा पूरे चुनाव प्रचार के दौरान। और झारखंड और महाराष्ट्र जहां पर मतदान कल संपन्न होगा, दोनों प्रदेशों में इंडिया अलायंस बहुत मजबूती से आगे बढ़ रही है। महाराष्ट्र में जहां कल पोलिंग होगी वहां पर लोग मन बना चुके हैं, वहां का जो किसान वर्ग है, वहां सोयाबीन कपास प्याज के जो खेती करने वाले किसान हैं, वो इंतजार कर रहे हैं कि दोबारा मौका आए। और जो कामयाबी लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को मिली थी, उससे ज्यादा मतदान इस बार एनडीए के पक्ष में होगा। और मायावती की जो सरकार है, किस प्रकार के भाषण आ रहे हैं, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ जब सत्ता में बैठे मंत्री, कोई डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, कोई प्रदेश का मुख्यमंत्री है, वो इस प्रकार खुलेआम धर्म की आड़ में वोट मांग रहे हैं। यूपी के मुख्यमंत्री कहते हैं बटोगे तो कटोगे, उसका मैंने जवाब उनको दिया, मैंने कहा मुख्यमंत्री जी को बोलना चाहिए पढ़ोगे तो बढ़ोगे, ये संस्कार नई पीढ़ी को देने चाहिए। एक राज्य का चुनाव जीतने के लिए आप इस प्रकार का माहौल देश में फैलाना चाहते हैं, ये दिखाता है कि आपकी रिपोर्ट कार्ड में आप फेल हैं, आप डिलीवर नहीं कर पाए हैं। और ये डबल इंजन की बात करते हैं, महाराष्ट्र में इनकी सरकार है, सरकार कैसे बनी सब जानते हैं, और आपस में खिंचाव है, वहां पर दो मुख्यमंत्री हैं। आज तक भी सत्ताधारी गठबंधन ने ये घोषणा नहीं करी कि सिटिंग जो चीफ मिनिस्टर है वो आगामी मुख्यमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे। तो बहुत ज्यादा वहाँ खिंचाव है, परफॉर्मेंस जीरो है, करप्ट वो सरकार है, लोग बदलाव चाहते हैं। और मैं ऐसा मानता हूँ कि हम अच्छे बहुमत के साथ दोनों राज्यों में हम सरकार बनाएंगे। जो उपचुनाव हो रहे हैं वायनाड में, केरल में प्रियंका जी लड़ रही हैं, बाकी राजस्थान में है, यूपी में, हर जगह उपचुनाव है, वहां पर भी हमारी पार्टी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहेगा। महाविकास अघाड़ी कितनी वहां पर प्रबल है, किस तरह की जो माहौल वहां पर देखा गया महाविकास? कुछ महीने पहले जो लोकसभा के परिणाम आए थे, आप अगर उसका सिर्फ आकलन करें कि कितनी विधानसभा सीटों में हम लोग लीड कर रहे थे, तो बड़े अच्छे बहुमत के साथ हम सरकार बनाने वाले हैं। महाविकास अघाड़ी का हमारा जो 5 गारंटी है, हम लोगों ने जो एजेंडा रखा है, जो हमारे उम्मीदवार हैं, जो हमारा कैंपेन रहा, और जिस प्रभावी तरीके से राहुल गांधी जी ने, प्रियंका जी ने रोड शोज किए हैं, जो भीड़ आई थी, मुझे देखकर तो ये मैं आसानी से कह सकता हूँ कि माहौल हमारे पक्ष में है और जो मतदान कल होगा वो भी हमारे पक्ष में ही होगा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने आज कहा है कि महात्मा गांधी और नेहरू ने देश को तोड़ने का काम किया, ये कोई शोभा नहीं देता। एक प्रमुख दल है बीजेपी, वहाँ के अगर प्रमुख नेता हमारे उन पुरुषों को जिन्होंने सब कुछ अपना कुर्बान किया देश की आजादी में, देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, राष्ट्रपिता थे, अगर ऐसा कहा है, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, तुरंत उनको माफी मांगनी चाहिए। मैं तो बल्कि कहता हूँ इसमें जो भाजपा का शीर्ष नेतृत्व है उनको माफी मांगनी चाहिए। अगर भाजपा के किसी भी व्यक्ति या नेता ने महात्मा गांधी या हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी या नेहरू जी के खिलाफ ऐसी बात की है, ये शोभा नहीं देता। और पूर्वजों को गाली देना कोई नई बात नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत इतिहास को सम्मान देना चाहिए। और वर्तमान की अपनी फ्रस्ट्रेशन और भड़ास निकालने के लिए आप पिछले युग के जो स्वतंत्र सेनानी थे, जो फ्रीडम फाइटर्स थे, उनको बुला बरा कहना अगर कहा है तो बड़ा गलत कहा है। मुझे पता नहीं कि कौन किसको क्लीन चिट दे रहा है, लेकिन ये सरकार का सिस्टम ही ऐसा है, जो तो उनकी परछाई में काम कर रहे हैं उनको तो बिना जांच के क्लीन चिट, और जो उनके वैचारिक विरोध में रहते हैं उन लोगों को बिना तथ्य के आरोप लगाना, उनका चरित्र हनन करना, ये तो आम सी बात है। लेकिन देश सब देख रहा है, महाराष्ट्र की जनता देख रही है,
और मैं उम्मीद करता हूं कि इस देश का निर्वाचन आयोग भी देख रहा होगा, क्योंकि सिर्फ नोटिस या आदेश देने से नहीं काम बनेगा, कल मतदान है, उनको प्रभावी कार्रवाई करनी चाहिए ताकि लोगों को लगे इस देश में जमहूरियत का इकबाल है, लोकतंत्र में पारदर्शिता दिखानी पड़ती है। निर्वाचन आयोग एक संस्थानिक संवैधानिक संस्था है, उसको अपने काम से, अपने रवैये से, अपने एक्शन से लोगों का अंदर एक कॉन्फिडेंस बनाना चाहिए। अगर इतना होने के बावजूद भी कुछ नहीं करती है इलेक्शन कमीशन, मैं समझता हूँ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा। लेकिन मैं फिर कहता हूँ, मेरा भरोसा देश की जनता पे है, महाराष्ट्र के लोगों के ऊपर है, वो सब देख रहे हैं और सही निर्णय करेंगे।